वेतन न मिलने पर ट्यूबवेल आए ऑपरेटर करेंगे आंदोलन व विरोध प्रदर्शन। पार्षद मुनेंद्र यादव के फॉर्म हाउस नगला मोती पर की गई प्रेस वार्ता। कहा जांच के नाम पर मेयर द्वारा आए ऑपरेटरों को किया जा रहा परेशान। फिरोजाबाद ठेका पंप चालक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पार्षद मुनेंद्र यादव के नगला मोती स्थित फॉर्म हाउस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ट्यूबवेल आए ऑपरेटरों के वेतन को लेकर उत्पन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। इस दौरान पार्षद मुनेंद्र यादव ने वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि अगर जल्द ही पंप चालकों का वेतन नहीं दिया गया तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सचिव कृष्णवीर सिंह ने कहा कि मेयर द्वारा आए ऑपरेटरों की जांच के नाम पर आए ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है। पंप आए ऑपरेटरों की रोजी रोटी इसी से चलती है, वेतन न मिलने से भुखमरी के कगार पर है। कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि वेतन भुगतान को लेकर डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, नगर आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया है। जल्द वेतन न मिलने पर 28 सितंबर 2020 से जलकल विभाग परिसर में विरोध प्रदर्शन एवं धरना देने को मजबूर होना पड़ेगा। बताया कि वहीं इलेक्ट्रिशियन व बेलदारों का भी वेतन रोक दिया गया है। मेयर नूतन राठौड़ की हठधर्मी के कारण निगम ठेका कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमारे ऑपरेटर भुखमरी के कगार पे हैं। 27 तारीख अगर हमें वेतन नहीं मिला तो सुबह 28 तारीख को नगर निगम में जलकल विभाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर आने वाले समय में और नहीं व्यवस्था बनी तो भूख हड़ताल के लिए हम बाध्य हैं। ये आज हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटरों की प्रेस वार्ता इसलिए है क्योंकि महापौर की बचकानी की नीति के तहत जो हम लोगों को प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आप बताइए मुझे कि अगर उन्हें कहीं गलत लग रहा है कि इसमें कहीं गलत है तो ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन रोकने का क्या मतलब है? आप जांच कराइए, जहां जो दोषी हो उस पर कार्रवाई कीजिए। अब ये गरीब मेहनती ट्यूबवेल ऑपरेटरों को वेतन रोकने से इन्हें चोरी करने के लिए, इन्हें भीख मांगने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अगर आप इन्हें वेतन रोक देंगे जब किसी इंसान के पास खाने के लिए आटा नहीं होगा, निवाला नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान, बताइए आप? तो इन्हें मजबूर में इन्हें गुनाह करने के लिए मजबूर मत करिए।